आज मैं आपके लिए इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप झटपट बना सकते हैं और झटपट खाइए। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम समय में बनता है, सब्जी से भी कम समय में बनता है। चाहे आप इसे छोले भटूरे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए या फिर रोटी पराठा के साथ खाइए, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत आसान है। और भी मैंने अचार की रेसिपी शेयर करी, जैसे आम का अचार हो गया, आम का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार हो गया, आम का कुचा हो गया, या फिर मिर्च का स्टफ्ड अचार जो होता है वो हो, लाल मिर्च वाला, ग्रीन चिली का अचार है, और मिक्स अचार भी मैंने शेयर किया है। और ये जो अचार का मसाला मैंने शेयर किया है, इसको अगर आप बना लेते हैं तो ये लगभग 6 महीने से साल भर आराम से चल जाता है। मेरे पास ये साल भर से है और अभी भी बहुत अच्छा है ये मसाला, तो इसको ज़रूर देखिए इन सबको। और अभी हम गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार बनाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा, रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर अचार बनाने के लिए मैंने 2 मूली, 2 गाजर और 5 मिर्च ले लिया है। मूली को छील लेना है और उसको धो करके अच्छे से किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए या पंखे के नीचे थोड़ी देर रख दीजिए। ये जो मिर्च है ये मेरे किचन गार्डन का ही है। ये मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होता है, ग्रीन है तो भी फायदा करता है, और अगर ये रेड हो जाता है तो इसमें बहुत विटामिन सी होता है। रेड वाले को आप सूप या सैलड में डाल के खाइए, ग्रीन वाले को भी आप खा सकते हैं। नॉर्मल मिर्च से ज़्यादा फायदा ये होता है, तो इसको ज़रूर अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर अपने किचन गार्डन में लगाइए। यहाँ मूली को मैंने यूनिफॉर्मली कट किया है, देखने में अच्छा लगता है एक जैसा, इसलिए ऐसे कट किया है। जो भी आप शेप चाहें अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये बहुत मोटा नहीं हो, थोड़ा पतला हो तो सही है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इस अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करके उसमें 1 चम्मच मैंने काली सरसों डाल ली है, 1/2 छोटे चम्मच मैंने जो पीली वाली सरसों होती है वो ले लिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये क्रैकल हो जाए तो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए गोल मिर्च जो होता है वो ले लिया है 10 से 15, लौंग ले लेना है, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये जायफल है इसका भी एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। यहाँ धनिया ले लिया 1/2 छोटे चम्मच, साथ ही के साथ 1/2 छोटे चम्मच जीरा ले लेना है, और 1 छोटे चम्मच हमें सौंफ लेना है, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही के साथ 1/2 छोटे चम्मच मेथी दाना ले लेना है, मेथी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, और इन सबको फ्राई कर लेंगे। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसको निकाल कर हमें ग्राइंड करना है, तो मसाले बहुत गर्म नहीं होने चाहिए, हल्का इसको ठंडा करके ही हमें ग्राइंड करना होता है। तो इसको एक ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया है। तो अब इसमें कुछ और मसाले मिलाएंगे, मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया 1 चम्मच, साथ ही के साथ इसमें जो कश्मीरी रेड चिली होती है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको तीखा चाहिए तो नॉर्मल चिली भी डाल सकते हैं, मैं कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ। इसे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। 1 बड़े चम्मच वो ले लिया है, नमक ले लिया है 1 चम्मच के करीब, और काला नमक भी डाल लेंगे 1/2 छोटे चम्मच के करीब। अचार में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक, थोड़ा तेज़ नमक ज़रूरी भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है और टेस्ट वाइज भी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे अमचूर पाउडर ले लिया है मैंने, 1 बड़े चम्मच ले लिया है। अब यहाँ मैं 1/4 छोटे चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत टेस्टी बन जाता है। आप किसी भी अचार में ज़रूर थोड़ा सा चीनी ऐड कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा चक्री फूल का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो जब मसाले रोस्ट कर रहे हैं उसी टाइम चक्री फूल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको ग्राइंड कर लेना है, और इस अचार के मसाले को ना तो हमें बहुत महीन पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से लेना है, और ये जब मसाला तैयार हो गया तो अब बारी आती है अचार को बनाते हैं हम। इसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों तेल ले लिया है। अब सरसों तेल अगर आप नहीं खाते तो किसी और तेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है और साथ के साथ इसमें हींग डाल लेना है। किसी भी अचार में आप हींग जरूर डालिए, इससे अचार का जो लाइफ होता है, सेल्फ लाइफ होता है, वो बढ़ जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, प्लस ये फायदा भी करता है। इसीलिए सर्दियों में हींग खाने में ज़रूर डालना चाहिए। यहाँ पे मिर्च को सबसे पहले हमें डाल लेना है,
क्योंकि मिर्च को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। लगभग आधे मिनट के करीब हम इसको फ्राई करेंगे या उससे भी कम, हल्का सा। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, बाकी का जो हमारा गाजर है, मूली है, वो सबको हम इसमें ऐड कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यहाँ पे कुक नहीं करना है, उसको पकाना नहीं है, बस तेल अच्छे से गर्म हो और उसके साथ हल्का सा हमें पकाना है। इसके बाद हमने जो मसाला बनाया था हमें वो ऐड करना है और उसके बाद हम 1 से 1.5 मिनट तक इसको और कुक कर लेंगे। तो ये मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। आप मसाला अगर एक्स्ट्रा लगता है तो आप कम डालिए, 3 से 4 चम्मच ही डालिए, लेकिन मैंने बिल्कुल एडजेक्ट मसाला तैयार किया है तो मैं पूरा ही मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब ये मसाला हमारा तैयार हुआ है और ये इस इतने क्वांटिटी के अचार के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, तो वो मैं पूरा का पूरा ऐड कर रही हूँ। मसाला थोड़ा कम या ज़्यादा से ज़्यादा फर्क इस अचार में नहीं पड़ता है। अब इसके साथ हमें इसको लगभग 1 मिनट के लिए इसको मीडियम हीट पे हमें कुक कर लेना है, ताकि सब्जी जो है हमारी मूली, गाजर और हरी मिर्च वो हल्की हल्की सी पक जाए। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल लूँगी। अजवाइन भी वही सेम है हींग के जैसा, फ़ायदा भी करता है और अचार के टेस्ट को भी बढ़ाता है। यहाँ पर एक बड़े चम्मच मैंने विनेगर ऐड किया है। इससे क्या हो जाएगा, अचार ज़्यादा दिन तक भी टिकेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये नॉर्मल विनेगर है जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं। वाइट और ब्लैक दो तरीके का विनेगर आता है। आप कोई भी विनेगर इसमें ऐड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अचार का कलर हमारा वैसे ही डार्क है। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट पिकल बन के तैयार हो गया। बस अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही आप किसी कंटेनर में इसको भर के रखेंगे और इसको अगर आप बाहर रखते हैं तो आराम से 1 वीक चलेगा, और फ्रिज में रख देते हैं तो ये 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा। हमने विनेगर ऐड किया है तो और ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन 1 वीक का ही बनाइए। और अगर ये अचार की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।